बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है हम शुरू करेंगे ओएस कंपोनेंट से, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ओएस गोल्स के नाम से भी इसे जाना जाता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोसेस हमारे पास क्या है। तो हमारे पास बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है हमारे पास। वो प्रोग्राम जब हमारी डिस्क में पड़ा होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, पैसिव एंटिटी होती है। लेकिन जब उसी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे पास एक एक्टिव एंटिटी बन जाता है, और उस एक्टिव एंटिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जो है, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका जो है एक कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जितने भी हमारे सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस इस वक्त चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट करेगा। एक प्रोसेस जो है उसको मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे कि सीपीयू का टाइम चाहिए, कोई मेमोरी उसे चाहिए, या मुख्तलिफ फाइल्स या मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो प्रोसेस को जरूरत होती है। तो प्रोसेस जो है उसके हवाले से मैनेजमेंट किस तरह से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, कि वो नए प्रोसेसेस को क्रिएट करेगा या उनको टर्मिनेट करेगा, या इसी तरह से प्रोसेसेस जो हैं उनको सस्पेंड करना, या अगर कोई प्रोसेस जो है वो सस्पेंड हो चुका है उसको दोबारा से रिज्यूम करना, और इसी तरह से प्रोसेसेस के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन अगर दो प्रोसेसेस ने करनी है तो उनको कोई मैकेनिज्म फ्राहम करना ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। इसी तरह से अगर कोई डेडलॉक जो है वो अक्कर हो जाता है, डेडलॉक इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो अगर कोई डेडलॉक जो है वो प्रोसेसेस के दरमियान अक्कर हो जाता है तो उस डेडलॉक को हैंडल करना, उसको खत्म करना, ये भी हमारे पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कि इसका जो एक कंपोनेंट है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट वाला, तो ये सारे काम जो है उसी की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक अहम कंपोनेंट होता है वो है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेन मेमोरी है हमारे पास, तो मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट मौजूद है। तो मेन मेमोरी जो है वो आपके पास क्या होती है, हमें सबको पता है कि मेन मेमोरी जो है हमारे पास एरे है, किसका, बाइट्स का या वर्ड्स का, ठीक है। और ये जो हमारे पास मुख्तलिफ बाइट्स हैं इनको हम मेमोरी लोकेशंस कह देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ये मेमोरी लोकेशंस जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस जो है वो हमारे पास क्या है, मेमोरी लोकेशंस जो है वो मौजूद हैं। अब ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं इनको जो है वो मैनेज करने का काम जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके जिम्मा एक काम लगाता जाता हूँ, आपने क्या करना है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है इसको काइंडली आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहम है, लेकिन ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ। तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये देखना होता है, ट्रैक रखना होता है कि इस वक्त मेरे पास कितनी मेमोरी जो है वो खाली पड़ी हुई है, ठीक है। और इसी तरह से ये भी उसने ट्रैक रखना है कि मेमोरी के कौन से पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके अंदर कौन से प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सेल्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो पड़े हुए हैं। और इसी तरह से इसने डिसाइड करना है कि मेमोरी के अंदर कब जो है वो प्रोसेसेस को लोड करना है, और जब वो लोड करने के बाद उसके पास कितनी मेमोरी बच गई है, ये सारा हिसाब किताब जो है वो रखने का काम जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाता है। और इसी तरह से हमारे पास इसने ये हिसाब लगा के रखना है कि किस तरह से जो है वो मेमोरी जो है मैनेज की जाए मुख्तलिफ प्रोसेसेस को। बिलफर्ज अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर 2 GB रैम हमारे पास मौजूद है जबकि हमारे पास कोई प्रोसेसेस चल रहे हैं 3-4 जिनकी कोई 8-8 GB के आप कह लें, तो अब ये हमारा जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसी के हिसाब से वो देखेगा कि किस तरह इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं या हमारे प्रोसेसेस जो हैं उनको किस तरह से मेमोरी जो है वो एलोकेट करनी है, और जब एक बार मेमोरी एलोकेट कर दी गई तो किस तरह से डी एलोकेशन उनकी करनी है ताकि हमारे पास मेमोरी जो है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अहम जो इसका जिम्मेदारी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है उसकी, वो ये है कि इसने ख्याल रखना है कि कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को ओवरराइट ना कर दे। मतलब कि किसी लोकेशन के ऊपर या किसी सेल के अंदर कोई प्रोसेस पड़ा हुआ है तो ये ना हो कि बाद में आने वाला कोई प्रोसेस जो है उसकी कोई इंस्ट्रक्शन जो है उसको ओवरराइट कर दे। तो इस तरह से हमारे पास काफी ज़रा मसला बन सकता है, तो इस वजह से ये मैनेजमेंट करना भी हमारे मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो हमारे पास
कंपोनेंट है वो है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट जैसे कि हमारे पास आपको यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आमतौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कह देते हैं। अब ये सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसका जो है वो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो ये अब बेसिक सा कंसेप्ट है, हम सब लोगों को पता है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो हमारे पास वोलाटाइल होती है। जैसे ही हमारे पास पावर ऑफ होती है या सिस्टम शट डाउन होता है तो उसमें पड़े हुए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो अगर हम अपना कोई डाटा या प्रोग्राम वगैरह जो है वो परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। और फिर हमारे पास यहाँ पे मैदान अमल में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा और वो क्या करेगा, इस सेकेंडरी स्टोरेज को जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारियां हैं अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, तो यहाँ पे वो देखेगा कि हमारे पास फ्री स्पेस मैनेजमेंट, कि हमारे पास वो जैसे मेन मेमोरी में वो देख रहा था इसी तरह से कुछ वो हार्ड डिस्क या हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी में भी देखेगा कि जो फ्री स्पेस कितनी पड़ी हुई है और मुख्तलिफ जो हमारे पास डेटा या प्रोग्राम्स हैं उनको मेमोरी अलाट करना या जो सेकेंडरी मेमोरी है वो अलाट करना या उनसे वापस ले लेना, और इसी तरह से डिस्क स्केजुलिंग वगैरह जो है वो सारी काम जो है वो किस में आ जाते हैं, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आईओ सिस्टम। तो आईओ सिस्टम हमारा जो है एक मेजर जो है वो पार्ट है हमारे सिस्टम का। ठीक है, तो जब हम आईओ सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा जो आईओ मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये मुख्तलिफ चीजों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है हमारे पास बफरिंग। ठीक है, तो बफर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। बफर हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर कोई जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस से आने वाला जो डाटा है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, और जब जरूरत होती है तो वो डाटा जो है आगे फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट हम पढ़ें, बफरिंग इज डन टू डील इफेक्टिवली विद द स्पीड मिसमैच बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द डाटा स्ट्रीम, अब बफर इज प्रोड्यूस्ड इन मेन मेमोरी। तो यहाँ पे होता क्या है कि हो सकता है कि कुछ डिवाइसेस जो हैं वो ज्यादा जल्दी डाटा को जनरेट कर रही हों या इनपुट को जनरेट कर रही हों, आउटपुट को जनरेट कर रही हों, जबकि जो जनरेटर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पास कोई डाटा को जनरेट कर रही होंगी और उन्हें हम प्रोड्यूसर कहेंगे, और जो उस डाटा को कंज्यूम करेंगे उन्हें हम कंज्यूमर कह देंगे। तो हो सकता है कि हमारे पास डाटा जो है वो ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि कंज्यूम होने की जो रफ्तार है वो हमारे पास क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या करना होगा, ये जो हमारे पास स्पीड मिसमैच आ रहा है दोनों डिवाइसेस के दरमियान उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बफरिंग का कॉन्सेप्ट जो इस्तेमाल कर लिया जाता है। और ये बफरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा आईओ मैनेजमेंट का जो सब सिस्टम है उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कैशिंग। तो कैशिंग का भी कॉन्सेप्ट उम्मीद है आपको पहले से होगा कि कैशिंग हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ डेटा आइटम जो है उनको हम क्या कर लेते हैं, कैश कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जब जो भी डाटा है जिसकी हमें बार बार जरूरत है उसे हम क्या कर लेते हैं, कैश कर लिया करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्पूलिंग। ठीक है, तो स्पूलिंग आपके पास जो है वो स्टैंड करता है, या एक्रोनियम है किसका, ये पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ठीक है, तो पेरिफेरल्स ऑपरेशंस ऑनलाइन, पेरिफेरल से मुराद है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट स्कूलिंग का हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो मुख्तलिफ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन ऑपरेशन कर सकती हैं। ऑनलाइन से मुराद है एक ही वक्त के अंदर वो क्या कर सकती हैं, ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, तो स्कूलिंग जो है ये जो है वो आपने माइंड में रखना है। दोबारा से मैं बता दूं, स्पूलिंग का कंसेप्ट ये कहता है, जैसा कि यहाँ पे इससे भी जाहिर हो रहा है कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर सकती हैं, एक ही वक्त में जो है वो अपना काम जो है वो सरंजाम दे सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आईओ सिस्टम जो है हमारा या सब सिस्टम जो है वो हमें और क्या चीज फ्राहम करता है, जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। मतलब कोई ना कोई ऐसा इंटरफेस जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो मुख्तलिफ तरह की जो डिवाइसेस हैं उनके साथ वो क्या कर सकेगा, इंटरेक्ट कर सकेगा। ठीक है, और इसके साथ है हमारे पास के ड्राइवर फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस, और इसके अलावा हमारा जो आईओ मैनेजमेंट का जो सब सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ जो हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके लिए मुख्तलिफ ड्राइवर्स जो हैं वो भी फ्राहम किए जाते हैं। और ड्राइवर आपको पता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पीसीज होते हैं,
सिस्टम प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं। तो मैं अगर दोबारा से समराइज करूँ आईओ सब सिस्टम को, तो आईओ सब सिस्टम जो है या आईओ मैनेजमेंट सब सिस्टम जो है वो हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनको जो है मैनेज करने का काम जो है वो किया जाता है। आमतौर पे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल हैं, जैसे मेरा कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, जबकि जो प्रोसेसिंग हो रही है जैसे हमारा सीपीयू है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैकेनिकल की स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो है उनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्पीड का मिसमैच हो जाता है। तो उस मिसमैच को कवर करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आया बफरिंग का, ठीक है, और इसी तरह से जो डाटा बार बार इस्तेमाल होगा वो हम वहाँ पे कैशिंग का कंसेप्ट आ जाएगा। और स्पूलिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है वो क्या कर सकती हैं, एक ही वक्त में काम कर सकती हैं। अगेन मैं बताता चलूँ कि ये जो एक्रोनियम है स्पूलिंग का, ये आपने माइंड में रखना है, पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या, हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, मुख्तलिफ फाइल्स को मैनेज करेगा, ठीक है। तो फाइल्स को मैनेज किस तरह से किया जाएगा, वो क्या करेगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ फाइल्स को क्रिएट करेगा या डिलीट करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ डायरेक्टरीज को क्रिएट करना या डिलीट करना, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। डायरेक्टरीज आपको पता है कि फोल्डर्स को बोला जाता है। और इसी तरह से सपोर्टिंग प्रिमिटिव्स फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो इसी तरह से हमारे पास अगर फाइल्स या हमारे पास जो फोल्डर्स होते हैं उनमें अगर हमने कोई मैनिपुलेशन करनी है, तो उनके लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो है उनका जो है वो परफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की है। इसी तरह से हमारे सेकेंडरी स्टोरेज या हमारे जो हार्ड डिस्क पे जो कोई फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं उनको, उनमें जो मैपिंग करवाने का काम है वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मा है। और इसी तरह से मुख्तलिफ फाइल्स जो है उनका जो बैकअप वगैरह लेना और रिस्टोर का जो काम करवाना है वो सारे का सारा किस में आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट जो है इसके अंदर, ये इस कंसेप्ट के अंदर जो है ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम। तो प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग सिस्टम है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रही होती है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसा कि कुछ ये कंसेप्ट हमने कल भी देखा था कि हमारा एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, इस तरह की प्रोटेक्शन जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि कोई प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे, उसकी जो स्पेस एड्रेस स्पेस है उसमें जाके कोई रद्दोबदल करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटेक्शन सिस्टम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास नेटवर्किंग। तो ये कंसेप्ट हमने कल भी देख लिया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ सिस्टम्स हमारे पास पड़े हुए हैं और वो हर सिस्टम जो है उसके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, मतलब उसकी अपनी जो है वो मेमोरी को शेयर नहीं करते, बल्कि हर एक की अपनी अपनी मेमोरी है, अपनी अपनी पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, अपना अपना क्लॉक है, ठीक है। तो ये हर प्रोसेस जो हर जो सिस्टम है उसके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, और ये तमाम के तमाम सिस्टम जो हैं वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो फासले पे पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवाने का जो काम है, जो नेटवर्किंग की जिम्मेदारी है, वो भी किसके जिम्मा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मा है, क्योंकि ये जो हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस फासलों पर पड़ी हुई हैं, ये हमारे जी पास यहाँ क्या क्लॉक से काम रहा था सर, क्लॉक हमारे पास ये सर, क्लॉक जी, क्लॉक हमारे पास जो है वो हमारे पास एक कंसेप्ट है के जिसके थ्रू हम टाइमर वगैरह जो है वो कंट्रोल करते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर कोई टाइमर का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, या हमारे पास ये देखना कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कितने टाइम पे चल रही हैं, कुछ इस तरह का हिसाब किताब रखने के लिए हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, क्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है, ओके कीप ठीक है। कंटिन्यू। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसमें जो डिवाइसेस होती हैं या हमारे मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो हेट्रोजीनियस होते हैं नेचर में, मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और इस वजह से ये हमारा जो नेटवर्किंग का जो हमारा सब सिस्टम है वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो मुख्तलिफ इकसाम के जो हमारे पास सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं नेटवर्क के थ्रू, तो उनके दरमियान जो है वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करवाएगा।
तो ये हमारे पास क्या था, नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग में हमारा कल वाला ही कंसेप्ट जो है वो दोबारा से रिवाइज हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ठीक है, या जिस इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है शेल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि शेल से क्या मुराद है। अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं तो शेल जो है वो आप कह लें कि माहौल को कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये एक आपके सामने जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, तो ये भी एक तरह से आपके पास जो है वो शेल है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जितनी भी कमांड्स जो है वो जनरेट करते हैं, तो वो कमांड्स जो है वो दो तरह से उनको जो है इंटरप्रेट किया जा सकता है, ग्राफिकली भी उनको इंटरप्रेट किया जा सकता है, या मतलब मैं अपनी जो कमांड्स हैं उनको ग्राफिकली भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जैसे माउस या कीबोर्ड वगैरह की माउस की मदद से खास तौर पर। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास कमांड्स जो है वो जनरेट की जा सकती हैं, जैसे हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, या जैसे अगर मैं यहाँ पे विंडोज की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कमांड लाइन जो है वो इस्तेमाल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट जो है इस्तेमाल होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ अपनी कमांड्स जो है वो दे सकते हैं। अब ये वाला जो आपके पास इंटरफेस होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कमांड लाइन इंटरप्रेटर कहलाएगा, कि हम जितनी भी कमांड्स दे रहे हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है वो क्या करेगा, इन कमांड्स को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और ये जो कमांड इंटरप्रेटर जो है इसको लिनक्स यूनिक्स के अंदर जो है वो नाम दिया जाता है शेल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें कि सम ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड द कमांड इंटरप्रेटेड इन द कर्नल, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड इंटरप्रेटर है वो कर्नल का हिस्सा होता है, अदर जो कुछ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें इसे अलहदा जो है वो प्रोग्राम के तौर पर जो है वो इसको लिया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ये किसी जॉब वगैरह को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। तो हमारे पास कहता है कि दिस प्रोग्राम इज समटाइम कॉल्ड द कमांड लाइन इंटरप्रेटर, और कुछ जगहों पे हम इसे क्या कह देते हैं, शेल का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात ये है कि हमारे पास कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें कर्नल का हिस्सा होता है, जबकि कुछ में जो है वो एक अलग प्रोसेस के तौर पर जो है ये वाली चीज चल रही होती है। ठीक है, और विंडोज का एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें इसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर कहा जाता है, जबकि अगर हम यूनिक्स वगैरह की बात करें तो वहां पे इसी चीज को शेल का नाम दिया जाता है। तो कुछ मशहूर जो है वो हमारे पास यहाँ पे शेल जो है वो देख लें यूनिक्स के, ये हमारे पास यूनिक्स लिनक्स में हमारे पास बोर्न शेल है, हमारे पास सी शेल है, हमारे पास बोर्न अगेन शेल है, या बैश बहुत मशहूर हमारे पास ये वाला शेल है, इसी तरह से टीसी शेल है हमारे पास, और कॉर्न शेल है, इस तरह के एक दो नाम जो है वो आपने लाजमी माइंड में रखने हैं। तो ये तो थे फ्रेंड्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है, वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट जो करवाने की सर्विस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये वाली सहूलत जो है वो फ्राहम करेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको लोड किया जाएगा मेमोरी के अंदर, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से मुख्तलिफ आईओ ऑपरेशन जो हैं वो करवाने की सर्विस कौन फ्राहम करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वाली सर्विस फ्राहम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो है वो देख लें कि फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन यूजर यूजली कैन नॉट कंट्रोल आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली, द ओएस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू डू आईओ। तो हमारे जो यूजर लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो आमतौर पर आईओ जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन कर्नल वगैरह की मदद से जो है वो आईओ का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, तो ये हमारे पास है कि रीड राइट जो फाइल्स हैं उनको उन फाइल्स को रीड या राइट करना का जो सर्विस है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्राहम कर रहा होता है। अगेन कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास प्रोसेसेस चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और वो आपस में क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये काफी अहम हमारे पास टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे। तो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेसेस के दरमियान जो है वो हो रही होती है शेयर्ड मेमोरी के थ्रू। अभी के लिए आप ये याद रख लें,
कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। या मैसेज पासिंग का हमारे पास एक मैकेनिज्म है, इन दो मैकेनिज्म की मदद से हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर अक्कर हो जाती है तो उसको जो है वो डिटेक्ट करना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एरर में अक्कर इन द सीपीयू एंड मेमोरी हार्डवेयर इन आईओ डिवाइसेस एंड इन यूजर प्रोग्राम, तो किसी भी जगह पे हमारे किसी भी रिसोर्स के अंदर जो है वो क्या हो सकता है, कोई ना कोई एरर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो अब उस एरर को खत्म करने के लिए या उसके अगेंस्ट, एरर के अगेंस्ट जो है वो एप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी बनता है। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन। तो मुख्तलिफ तरह के हमारे पास रिसोर्सेज हैं और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को ये वाले रिसोर्सेज जो है वो अलाट करना, ये सर्विस कौन फ्राहम करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक चले ये हमारे पास है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सर्विस फ्राहम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास अकाउंटिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीपिंग ट्रैक ऑफ विच यूजर यूज हाउ मैनी एंड विच काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो अगर हमारा ये मल्टी यूजर कोई सिस्टम है उसमें हम देखना चाहते हैं कि हमारा कौन सा यूजर जो है वो कितनी और किस तरह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चीज जो है हमारे पास क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये वाला जो अकाउंटिंग या रिकॉर्ड रखना या देखना जो है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी है, वो ही ये वाली सर्विसेज जो है वो फ्राहम करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं और ये प्रोसेसेस आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्या हो रहे हैं, कंकरेंटली जो है वो इस वक्त हमारे सिस्टम के साथ में चल रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा। तो अब ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा, वो एक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करेगा दूसरे प्रोसेस से, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास कोई सर्विसेज जो है वो फ्राहम कर रहा था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है आसान सा कंसेप्ट है ये जो अभी तक हमने आज पढ़ा है, तो और ये चीज आपकी समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अभी। तो हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के मोड्स होते हैं, यूजर मोड, ठीक है, और फिर है हमारे पास कर्नल मोड। तो हमारे जितने भी यूजर के प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे चल रहे होते हैं, यूजर मोड के अंदर चल रहे होते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा क्रिटिकल कोड है वो कहाँ पे चल रहा होता है, कर्नल मोड के अंदर चल रहा होता है या कर्नल में हमारे पास चल रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम जो है वो जाना चाह रहे हैं अपने यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म है, ये बात जो है वो हमने करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कल भी हमने देखा था कि हमारे पास क्या हो सकता है कि इंटरप्ट जनरेट हो सकती है। इंटरप्ट आपके पास क्या है कि कोई हार्डवेयर जो है वो सीपीयू की अटेंशन जाता है तो इंटरप्ट जनरेट होगा। ट्रैप हमारे पास हो सकता है, तो ये बात थोड़ा रिपीट कीजिएगा। कौन सी एम साहब, ये बात रिपीट कीजिएगा, ये वाली कर्नल में कौन से प्रोसेस चल रहे होते हैं और यूजर में, ठीक है। अब जितने भी हमारे यूजर लेवल के प्रोग्राम्स हैं ना या प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे चलेंगे हमारे पास यूजर मोड के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सर्विसेज वगैरह पीछे हम पढ़ के आए हैं, जैसे प्रोसेस क्रिएशन हो गई या कोई इस तरह के जो काम है या आयो करवाना, ये सारे काम जो है वो किसके अंदर होंगे, वो हमारे कर्नल मोड के अंदर जाके होंगे। अब बिलफर्ज हमारा कोई प्रोसेस है P1 जो है वो यहाँ पे चल रहा है, P1 को किसी आयो की जरूरत पड़ी है तो वो डायरेक्टली आयो नहीं कर सकेगा, उसे क्या करना होगा, उसको कर्नल मोड के अंदर आना होगा और फिर जो कर्नल है वो क्या करेगा, आयो करवाने में उसकी हेल्प करेगा, ठीक हो गया जी। जी जी कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसेस जो है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में आना चाह रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो तरीकाकार इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास सबसे पहले है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट हमारे पास, जैसे हमने कल भी बात की थी कि इंटरप्ट जो है वो हमारे पास हार्डवेयर हमारा कोई जो है वो अटेंशन चाह रहा है हमारे सीपीयू की, तो तब जो है इंटरप्ट जनरेट की जाती है। और इसी तरह से हमारे पास ट्रैप है कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है कि एग्जीक्यूशन जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है इंटरप्ट हार्डवेयर के लिए, और ट्रैप जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए था। इसी तरह से हमारे पास सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ठीक है। तो सिस्टम कॉल हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कोई ट्रैप जनरेट होता है तो तब हमारे पास जो कोई पैगाम भेजना है यूजर मोड से जो
पैगाम जाएगा कर्नल मोड के अंदर वो किसके थ्रू जाएगा, वो सिस्टम कॉल के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो बिलफर्ज पी वन ने कोई ट्रैप जनरेट किया है तो वो जो पैगाम भेजेगा कर्नल मोड की तरफ वो किसकी सूरत में जाएगा, वो सिस्टम कॉल की सूरत में जाएगा। इसी तरह से चौथा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो था सिग्नल का। तो सिग्नल में जैसे कि कल इरफान साहब ने बात की थी कि ये हमारे पास एक समझ लें कि कोई ऐसा सिग्नल जनरेट हुआ है या इवेंट जनरेट हुआ है किसी सॉफ्टवेयर की तरफ से के हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर सिस्टम का इस वक्त चल रहा है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और पहले जो इवेंट जनरेट हुआ है सिग्नल की सूरत में, हमने कहा था सिगेंट जो है ये वाला जो है हमारे पास एक सिग्नल जो है वो जनरेट किया जाता है तो पहले उसकी बात सुनी जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास ये चार तरीकाकार हैं कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं अपने कर्नल मोड के अंदर जो है हमारी एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये चारों जो है वो आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। तो कहते हैं कि इन केस ऑफ ऑल ऑफ दीज इवेंट्स, ये वाले जो हमारे इवेंट्स हैं चार, सम कर्नल कोड इज एग्जीक्यूटेड टू सर्विस द कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट्स। तो हर जो हमारे पास कोई इंटरप्ट जनरेट हो, ट्रैप हो या सिस्टम कॉल वगैरह हो तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, कर्नल जो है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई खास कोड जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमारे पास ये हम समझते हैं कि सिस्टम कॉल से क्या मुराद है, ठीक है। इंटरप्ट ट्रैप वगैरह के बारे में तो हम बात कर चुके थे कल, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिस्टम कॉल के बारे में। तो सिस्टम कॉल फ्रेंड्स हमारे पास क्या है कि सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास एक इंटरफेस फ्राम करती है कि जिसके थ्रू हमारा प्रोसेस जो है वो हमारे कर्नल के साथ, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास सिस्टम कॉल्स हैं ये हमारे पास आमतौर पे क्या होते हैं, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई फंक्शंस वगैरह आप कह सकते हैं जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कहते थे सिस्टम कॉल इंटरफेस लेयर कंटेन्स एंट्री पॉइंट इन टू द कर्नल कोड। तो अब हमारे पास जो है सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास क्या है, एक तरह से एंट्री पॉइंट है जो कि कर्नल कोड के अंदर हमें ले जाता है। तो सिस्टम कॉल्स अलाउ प्रोसेसेस एंड यूजर्स टू मैनिपुलेट सिस्टम रिसोर्सेज सच एज फाइल्स एंड प्रोसेसेस। तो यहाँ पे वो बात आ गई जो मैं पीछे भी करके आया था कि सिस्टम कॉल जो है वो हमारे प्रोसेसेस को अलाउ करती हैं कि वो क्या कर वो क्या करें, वो फाइल्स मैनिपुलेशन चाहते हैं या कोई प्रोसेस वगैरह में मैनिपुलेशन चाहते हैं। तो ये अब सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे प्रोसेसेस को इस काबिल बना देती हैं, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम कॉल्स हैं, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल के लिए अलहदा सिस्टम कॉल्स हैं हमारे पास, फाइल मैनेजमेंट के लिए अलहदा सिस्टम कॉल्स हैं, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए हो गए, या इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस या कम्युनिकेशन वगैरह के लिए हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ सिस्टम कॉल्स जो है वो मौजूद है हमारे पास, जो कि हमें यूजर स्पेस यूजर मोड जो है उसे ले जाएंगी कहाँ पे, कर्नल मोड के अंदर जो है वो हमें ले जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ये मैकेनिज्म हमें समझना है कि किस तरह से हमारा जो जो है हम यूजर मोड से, अगर मैं इसको यूजर मोड ले लूँ, ये हमारा यूजर मोड है, तो किस तरह से हम यूजर मोड जो है उससे कर्नल मोड के अंदर जाते हैं, तो ये चीज जो है वो हमने समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है बिलफर्ज उसने कोई सिस्टम कॉल जो है वो जनरेट की, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास लाइब्रेरी कॉल्स जो है उनको कॉल किया जाएगा। तो प्रोसेस किसको कॉल करेगा, लाइब्रेरी कॉल्स को कॉल करेगा। लाइब्रेरी कॉल्स आपके पास क्या है, ये भी आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है। और लाइब्रेरी कॉल्स या लाइब्रेरी रूटीन या लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो क्या करेंगे, हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, उनको सेव करेंगी ताकि वो पैरामीटर जो हैं उनको भेजा जा सके कर्नल मोड की तरफ। मैं दोबारा से बात करूं तो हमारे पास क्या है कि यूजर प्रोसेस जो है उसने क्या किया, कोई लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है। अब ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं इन्होंने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो इन्होंने सेव करने हैं किसी रजिस्टर के अंदर या स्टैक वगैरह के अंदर। और वो पैरामीटर क्या हो सकते हैं, वो पैरामीटर है हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स फॉर सिस्टम कॉल, ठीक है। और जब हमारे पास ये रिटर्न हो के आएगा तो रिटर्न एड्रेस, जैसे हमारे पास प्रोसेस में किसी फंक्शन में कोई ना कुछ जो है वो रिटर्न होता है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, कोई एड्रेस रिटर्न होगा। और इसी तरह से हर सिस्टम कॉल के लिए हमारे पास एक कॉल नंबर होगा। तो ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी जो लाइब्रेरी रूटीन्स जो है वो सेव करेंगी। अब ये तीन तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी लाइब्रेरी रूटीन्स कहाँ पे सेव करेंगी, तो ये हमारे पास केसेस हो सकते हैं कि पहला केस जो है वो ये हमारे पास
कि ये तीन तरह की जो इंफॉर्मेशन है इसको सेव किया जाएगा रजिस्टर्स के अंदर, दूसरा ये है कि इन चीजों को सेव किया जा सकता है किसी टेबल के अंदर और ये टेबल पड़ा होगा मेन मेमोरी में और फिर इस टेबल का एड्रेस जो है वो पास किया कर दिया जाएगा एज अ पैरामीटर, ठीक है। और तीसरा तरीका कार जो है वो ये है कि ये तीन तरह की जो इंफॉर्मेशन है ये आर्गुमेंट फॉर सिस्टम कॉल रिटर्न एड्रेस और कॉल नंबर जो है ये स्टोर कर दिया जाए किसी स्टैक के अंदर, ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस टैग को फिर क्या करवाता रहेगा, पॉप करवाता रहेगा। तो ये तीन तरीकाकार हैं कि हमारा जो लाइब्रेरी रूटीन्स हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो इन इंफॉर्मेशन को किसी ना किसी जगह पे स्टोर कर सकें। जब ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी तो तब हमारे पास क्या होगा, कोई ट्रैप जो है वो हमें ले जाएगी कहाँ से, यूजर मोड से कर्नल मोड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज हमने कल भी देखी थी कि हमें यूजर मोड से कर्नल मोड में कौन लेके जाता है, आमतौर पे कोई ना कोई ट्रैप जो है वो हमें लेके चली जाती है। अब जब हम कर्नल मोड के अंदर चले जाएंगे तो तब हमारे पास क्या होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम देन डिटरमाइंस विच सिस्टम कॉल इज टू बी कैरीड आउट बाय एग्जामिनिंग वन ऑफ द पैरामीटर। तो यहाँ से जो हमने एक कॉल नंबर सेंड किया था तो इस कॉल नंबर की मदद से उसे पता चलेगा कि अब मैंने जो है वो कौन सी जो है सिस्टम कॉल जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास एक डिस्पैच टेबल होगा, उस डिस्पैच टेबल की मदद से जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ कोड होगा उसको रन किया जाएगा। तो ये मैं इस टेबल की मदद से समझाता हूँ दोबारा से, उम्मीद है आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। प्रोसेस ने किसको कॉल किया, लाइब्रेरी रूटीन्स को। लाइब्रेरी रूटीन्स ने वो तीन तरह की इंफॉर्मेशन जो है किसी टेबल वगैरह में रखवा दी और ये जो ट्रैप है हमें कहाँ पे ले आई, कर्नल मोड के अंदर ले आई, ठीक है। अब जो कर्नल कोड है वो यहाँ से हमें जो तीन तरह की इंफॉर्मेशन भेजी गई थी उसमें हमारे पास सिस्टम कॉल का नंबर भी था, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल का नंबर को इंडेक्स करेगा इस डिस्पैच टेबल के अंदर और यहाँ से उसे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन सी कॉल के अगेंस्ट कौन सी सर्विस कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उस सर्विस कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो हमारे पास दोबारा से कोई ट्रैप जनरेट होगी और वो ट्रैप जो है वो दोबारा से हमें कहाँ पे ले आएगी, लाइब्रेरी कॉल के पास ले आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो भी शो करवाना होगा या जो भी यहाँ पे आउटपुट जो है वो प्रोसेस करने के बाद दोबारा से हम कहाँ पे चले जाते हैं, प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर मौजूद है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है हमारे पास मोनोलिथिक या सिंपल, हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे। तो मोनोलिथिक या सिंपल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उसमें वो कहते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमें फ्राहम करता है फंक्शनैलिटी एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो इट इज रिटन फॉर द फंक्शनैलिटी एंड द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। इन दिस स्ट्रक्चर यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इंप्लीमेंटेड अंडर द सेम एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे ये चीज बहुत अहम है कि ये जो हमारे पास सिंपल या मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होता है इसमें जो हमारे पास कर्नल लेवल की सर्विसेज हैं और जो यूजर लेवल की सर्विसेज हैं वो सारी सेम एड्रेस स्पेस में जो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये चूंकि एक ही जगह पे सब कुछ काम जो है वो सरंजाम दिया जा रहा होता है इस वजह से कर्नल का साइज जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, एक चीज। और दूसरी आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि चूंकि ये सारे का सारा कोड जो है वो एक तरह से एक ही जगह पे होता है तो इस वजह से हमारे पास अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो तब भी हमारे पास ये प्रॉब्लम करता है। मीन टू से कि चूंकि हमारे पास सारे का सारा कोड जो है वो एक ही जगह पे मौजूद है, चाहे वो यूजर स्पेस यूजर की जो हमारे पास सर्विसेज हैं वो देने के लिए या हमारे सिस्टम की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी एक ही जगह पे जो है वो सरंजाम पा रही होती है। इस वजह से हमारा जो ये वाला जो सिंपल या मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ये साइज में काफी ज्यादा जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, और साइज में बड़ा हो जाता है, तमाम सर्विसेज एक ही जगह पे होती हैं, तो इस वजह से इसको अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो ये चीज जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा मसला करती है, इसको एक्सटेंड करना जो है हमारे पास आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिसाल लें, यहाँ पे आपको दो मिसालें नजर आ रही हैं डास और यूनिक्स की, तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे यूनिक्स की बात करूंगा, ठीक है। तो यूनिक्स में आप देखें कि आपके पास जो है ये आपके पास यूजर है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो आपके पास हार्डवेयर है, ठीक है।
तो अब हमारे पास ये सारा का सारा जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा कर्नल है, मोनोलिथिक कर्नल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और ये मोनोलिथिक कर्नल जो है इसके साथ जो यूजर है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम कॉल इंटरफेस हमारे पास दिया गया है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कमांड या शेल, कमांड ऑपरेटर या शेल वगैरह हमारे पास मौजूद है, या कंपाइलर वगैरह जो है वो क्या करेंगे, इस सिस्टम कॉल के थ्रू जो है वो कर्नल के साथ क्या कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि सब के सब काम जो है वो कहाँ पे सर अंजाम दिए जा रहे हैं, वो कर्नल के अंदर जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। आईओ का काम हो गया, फाइल सिस्टम होगी, स्वैपिंग वगैरह हमारे पास होगी, सीपीयू स्केजलिंग होगी, पेज रिप्लेसमेंट होगी, डिमांड पेजिंग हो गई, वर्चुअल मेमोरी हो गई। तो ये सारे के सारे काम जो है वो एक ही जगह पे जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है वो हमारे पास क्या है, कर्नल है। तो ये चूंकि सारे के सारे काम एक ही जगह पे सर अंजाम दिए जा रहे हैं, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास काफी ज्यादा सिस्टम है, सिंपल है, और इस वजह से इसको जो है वो मोनोलिथिक जो है वो नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मोनोलिथिक आपके पास क्या है, मोनोलिथिक आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे का यूजर का कोड भी और जो हमारा सिस्टम का कोड है वो एक ही जगह पर रन हो रहा होता है। कर्नल का साइज बड़ा होता है और इसको एक्सटेंड करना जो है हमारे लिए जो है वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली मिसाल भी हमने जो है वो लॉजिकल एक स्ट्रक्चर देखा यूनिक्स की, उसमें हमने समझ ली है। यहाँ पे एडवांटेज दिए हैं वो देख लें दोबारा से, कि मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग मोनोलिथिक कर्नल इज दैट इट प्रोवाइड सीपीयू स्केजलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस थ्रू सिस्टम कॉल्स। तो हमारे पास क्या है, यूजर ने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सिस्टम कॉल को जनरेट करना है और बाकी का सारा काम जो है वो कहाँ पे सर अंजाम पा रहा होगा, वो हमारे कर्नल के अंदर जो है वो एक ही जगह पे सर अंजाम पा रहा होगा। चूंकि ये एक ही जगह पे सर अंजाम पा रहा है, इस वजह से मोनोलिथिक की स्पीड जो है वो कदरे बेहतर होती है। दूसरा इसका फायदा देख लें कि इट इज अ सिंगल लार्ज प्रोसेस रनिंग एंटायरली इन अ सिंगल एड्रेस स्पेस। तो हमारे पास क्या है कि ये एक ही लार्ज प्रोसेस की सूरत में सारे के सारे काम जो है वो सर अंजाम पा रहे होते हैं और ये सारे का सारा कोड जो है एक ही एड्रेस स्पेस में होता है। इस वजह से हमारे पास इसकी स्पीड जो ज्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है हमारे पास इसकी स्पीड। इसके डिसएडवांटेज हमारे पास देख लें कि हमारे पास मोनोलिथिक कर्नल जो है अगर कोई सर्विस हमारे पास फेल हो जाए तो हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे का सारा सिस्टम एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। दूसरे हमारे पास के अगर हमारे पास कोई नई सर्विस हमने ऐड करनी हो तो तब हमारे पास जो है कर्नल जो है उसको मॉडिफाई करना जो है हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये मैं किसकी बात कर रहा था, ये मैं बात कर रहा था मोनोलिथिक कर्नल की या सिंपल कर्नल की। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो हमारे पास अप्रोच आई वो है हमारे पास लेयर्ड अप्रोच। जैसा कि इसका नाम ही हमारे पास हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लेयर्स पर मुश्तमिल होगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ लेयर्स जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो सबसे निचली लेयर जो है वो हमारे पास हार्डवेयर की होगी और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारे पास यूजर प्रोसेस की होगी। अब इसमें काम इस तरह से किया जाता है कि अगर हमारे पास कोई लेयर M है तो लेयर M जो है वो क्या करेगी, अब अपने से निचली लेयर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। और फिर हर लेयर जो है वो अपने से निचली लेयर जो है उसके साथ कम्युनिकेशन करती रहेगी। इस तरह से हमारे पास सबसे ऊपर जो यूजर है वो अगर कोई कमांड देता है तो इस तरह से ये मुख्तलिफ लेयर्स जो है वो कम्युनिकेट करती जाएंगी और हमारे पास क्या होगा, जो आखिरी हार्डवेयर वाली लेयर है वहां तक जो है वो हमारी कमांड जो है वो चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ब्रोक किया जाता है कहाँ पे, नंबर ऑफ लेयर्स में, ठीक है। और ये नंबर ऑफ आर लेवल्स ईच बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द लोअर लेयर, और हर जो लेयर है वो निचली लेयर के ऊपर जो है वो बनाई जाती है। सबसे निचली लेयर जो वो हमारे पास हार्डवेयर है, ठीक है। और द हाइएस्ट लेयर अगर इसको लेयर एन का नाम दे तो ये हमारे पास क्या होगा, यूजर इंटरफेस होगा, ठीक है। और टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर एम है consist of data structures and a set of routines that can be invoked by higher layers, ठीक है। तो हर जो निचली लेयर है उसको कौन कॉल करेगा, उससे ऊपर वाली जो लेयर है वो उसको कॉल करती रहेगी, ठीक है। तो
तो अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि ये लेयर एम है, तो इसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या करेगी, लेयर एम को जो है वो यहाँ पे कॉल करेगी, या इसके अंदर जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या जितनी भी रूटीन्स या फंक्शंस वगैरह हैं उनको कॉल करेगी लेयर एम को, इससे ऊपर वाली जो भी कोई लेयर होगी। तो अब मेन एडवांटेज जो है वो हमारे पास इसका अगेन हुआ, वो हमारे पास क्या है, मॉड्यूलरिटी है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है, मतलब कि हर लेयर जो है वो अपना अपना काम जो है वो सर अंजाम देगी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका यहाँ पे फायदा है, ठीक है। और यहाँ पे डिकिस्ट्रा या डिकिस्ट्रा क्या लफज है, इन्होंने जो है वो एक सिस्टम बनाया था IBM OS2, तो ये हमारे पास एक लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो है हमारे पास माइक्रो कर्नल का। तो मोनोलिथिक कर्नल जो था उसमें हमारे पास क्या था कि यूजर प्रोसेस या यूजर सर्विसेज और जो हमारा सिस्टम की सर्विसेज हैं वो एक ही जगह पे रन हो रही होती थी, जबकि जो हमारा माइक्रो कर्नल है और मोनोलिथिक में चूंकि वो एक ही जगह पे सब कुछ होता था, तो हमारा जो कर्नल का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। तो फिर अब क्या किया गया है कि यूजर की जो सर्विसेज हैं उनको अलहदा कर दिया गया और जो सिस्टम की सर्विसेज हैं उनको अलहदा कर दिया गया, इस वजह से हमारे कर्नल का साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो गया है, इसी वजह से इसको नाम जो है वो दिया जाता है माइक्रो कर्नल का, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो सर्विसेज हैं यूजर की वो अलहदा चल रही होती हैं और जो सिस्टम की सर्विसेज जो है वो हमारे पास अलहदा चल रही होती हैं, इस वजह से हमारे पास अगर कोई नई सर्विस जो है वो यूजर की यूजर सर्विस अगर हम ऐड करवाना चाहें तो ये इजीली जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, जबकि हमने देखा था मोनोलिथिक में ये वाली चीज जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये दो चार लाइनें अगर हम देख लें कि दिस मेथड स्ट्रक्चर द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिमूविंग ऑल द नॉन एसेंशियल कंपोनेंट फ्रॉम द कर्नल एंड इम्प्लीमेंटिंग एज अ सिस्टम एंड यूजर लेवल प्रोग्राम्स, तो तमाम के तमाम जो हमारे पास पेजर था या इस तरह से हमारे पास डिमांड पेजिंग वगैरह का जो हमारे पास काम था वो वहां से कर्नल से निकाल दिए गए हैं, वो सारे के सारे काम जो है वो अब कहाँ पे सर अंजाम पाएंगे, यूजर स्पेस के अंदर जो है वो हमारे पास सर अंजाम पाएंगे, ठीक है। और इस वजह से हमारा जो कर्नल है उसका साइज जो है हमारे पास काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, ठीक है। इसका हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ कि माइक्रो कर्नल जो है ये हमें देता है ईज ऑफ एक्सटेंडिंग द OS, कि अगर हम अपने कर्नल में कोई जो है वो इजाफा करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, मोनोलिथिक में हम इजीली नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऑल न्यू सर्विसेज आर एडेड टू द यूजर स्पेस, तो तमाम की तमाम जो नई सर्विसेज हमने बनानी है यूजर स्पेस में आसानी के साथ हम बना सकते हैं और इस तरह से हमें कर्नल को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो यहाँ पे पहले देख लें, ये दो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स डाली हुई हैं तो इनको समझिएगा। पहली डायग्राम में यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये हार्डवेयर वाली लेयर है, ठीक है, और फिर हमारा ये कर्नल आ जाता है, तो कर्नल जो है वो हमारा कौन सा, माइक्रो कर्नल है। अब जो जितनी भी दूसरी सर्विसेज थी उनको माइक्रो कर्नल से निकाल दिया गया, जैसे फाइल सिस्टम जो है वो कहाँ पे होगा, यूजर स्पेस में, प्रोसेस सर्वर हो गया, पेजर हो गया, डिवाइडर ड्राइवर्स वगैरह, ये इस तरह के जितने भी काम है या जितनी भी यूजर की एप्लीकेशन वगैरह है वो कहाँ पे रन हो रही होंगी, यूजर स्पेस के अंदर रन हो रही होंगी, और हमारा जो कर्नल है उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। एक और मिसाल यहाँ पे दी हुई है विंडोज NT की, ठीक है। तो विंडोज NT क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर आप देख लें कि यहाँ पे आपका कर्नल है, ठीक है, ये नीचे आपका कर्नल है और ये सारी क्या है यूजर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यूजर सर्विसेज हैं। तो हमारा कर्नल जो है उसका काम क्या है यहाँ पे, कि हमारा कर्नल जो है वो मुख्तलिफ सर्विसेज जो है उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर्नल का काम क्या रह जाएगा कि मुख्तलिफ जो हमारे पास सर्विसेज हैं, जो यूजर सर्विसेज हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवाना सिर्फ काम है किसका, हमारे कर्नल का, बाकी इसके जिम्मा कोई ज्यादा काम नहीं रह जाता। तो ये था हमारे पास माइक्रो कर्नल। तो यहाँ पे माइक्रो कर्नल का अगर हम एडवांटेज देखें तो यहाँ पे हमारे पास के हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ दिस कर्नल इज स्मॉल एंड आइसोलेटेड, हेंस इट कैन फर्दर फंक्शन बेटर। तो चूंकि हमारे पास इसका साइज छोटा है और ये ज्यादा बेहतर, इस वजह से ये वो कहता है कि ज्यादा बेहतर जो है वो फंक्शनैलिटी दे सकता है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो हमारे पास आसान है, इजियर है हमारे पास, ये बातें मैं बार बार कर चुका हूँ। तो यहाँ ये एक टेबल दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये हमारे पास के मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल के अंदर हमारे पास क्या फर्क है। सबसे पहला तो फर्क है हमारे पास साइज का, माइक्रो कर्नल का साइज छोटा है, मोनोलिथिक का बड़ा है। एग्जीक्यूशन जो है वो माइक्रो कर्नल में जो है वो
स्लो होती है, मोनोलिथिक में फास्ट होती है, क्योंकि ये सारे के सारे काम एक जगह पे हो रहे होते हैं। तो जो माइक्रो कर्नल है उसको एक्सटेंड करना आसान है। ये कौन है? सॉरी। तो उसके बाद है हमारे पास एक्सटेंडेबल है, माइक्रो कर्नल इजीली एक्सटेंडेबल है, जबकि मोनोलिथिक जो है उसको हार्ड है हमारे पास एक्सटेंड करना। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की गई है कि अगर हमारे पास माइक्रो कर्नल में कोई सर्विस क्रैश होती है तो ये दूसरों पे ज्यादा असर नहीं डालती, जबकि मोनोलिथिक में अगर कोई सर्विस क्रैश हो जाती थी तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है हमारा क्या हो जाता था, क्रैश हो जाता था। तो इसी तरह से हमारे पास अगर कोडिंग की बात की जाए तो माइक्रो कर्नल जो है, टू राइट अ माइक्रो कर्नल मोर कोड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमारे पास कोड जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि मोनोलिथिक जो है उसमें हमारे पास कोड जो है वो कम रिक्वायर्ड है। इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्क था माइक्रो कर्नल का और मोनोलिथिक कर्नल का, ठीक है। चौथा जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, अभी तक हमने तीन स्ट्रक्चर पढ़े हैं, पहला मोनोलिथिक, दूसरा हमने लेयर्ड और तीसरा माइक्रो कर्नल, और चौथा जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर आया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो फ्रेंड्स हमारे पास है वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट आपको लाजमन होगा पहले से ही, कि वर्चुअल मशीन आपके पास क्या है, कि जो एक्चुअली हमारा हार्डवेयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम एक तरह की एल्यूजन देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास हमारा जो एक तरह की ये एल्यूजन है कि हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टम बना हुआ है, जबकि एक्चुअली वो वाला सिस्टम मौजूद नहीं होता हमारे पास। तो यहाँ पे देखें कि बाय यूजिंग सीपीयू स्केजलिंग एंड वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन क्रिएट द एल्यूजन दैट अ प्रोसेस हैज इट्स ऑन मेमोरी विद इट्स ऑन वर्चुअल मेमोरी। द वर्चुअल मशीन अप्रोच ऑन द अदर हैंड डज नॉट प्रोवाइड एनी एडिशनल फंक्शनैलिटी बट रादर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस दैट इज आइडेंटिकल टू द अंडरलाइंग बेयर हार्डवेयर। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें ये चीज बताई गई है कि हमारे पास जो है सीपीयू स्केजलिंग और वर्चुअल मेमोरी की जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो ये समझता है कि मैं एक हार्डवेयर के ऊपर जो है वो रन हो रहा हूँ, ठीक है, जबकि एक्चुअली जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से नहीं हो रहा होता। तो वर्चुअल मशीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जो है वो बहुत मशहूर जो है वो मिसाल जो है वो हमारे पास JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन की बात जो है कुछ दिन पहले भी हमने की है कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बाइट कोड जो है वो जनरेट हो जाता है तो बाइट कोड जो है वो हम कहीं पे भी जाके चला सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो जाके चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाइट कोड आपके पास जनरेट हो गया था तो जहाँ पे भी हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन जो है वो मौजूद होगी तो वहां पे जाके हमारा कोड जो है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाइट कोड है और यहाँ पे ये आपका क्या है, JVM या जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपके पास मौजूद है। तो ये बाइट कोड क्या समझेगा कि मैं किसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा हूँ, हार्डवेयर के ऊपर, तो वो इसको हार्डवेयर लेयर ही समझेगा, जबकि ये हार्डवेयर लेयर नहीं है, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर है जिसको हमने क्या कहा था, जावा वर्चुअल मशीन। लेकिन ये जावा वर्चुअल मशीन कुछ इसी तरह का जो है वो माहौल जो है वो फ्राहम करेगी कि हमारे पास जो बाइट कोड है या जो कि हमने जावा से जनरेट किया है, जावा की जो सोर्स फाइल है वहां से हमने जनरेट किया, वो इजीली यहाँ पे रन हो जाएगा। अब ये वर्चुअल मशीन जो है वो क्या करेगी, फर्दर जो है हमारे पास एक्चुअली हार्डवेयर है उसके साथ ये कम्युनिकेट करेगी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था किसका, जावा वर्चुअल मशीन का। तो एक तरह का ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास एक और जो है वो VMware हमारे पास मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है कि अगर हम विंडोज जो है उसके ऊपर अगर हम लिनक्स वगैरह को चलाना चाहें या लिनक्स को इंस्टॉल करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, VMware को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो VMware जो है वो भी हमारे पास क्या है, एक मिसाल है किसकी, वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है। इसकी एक और मिसाल यहाँ पे डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्रोसेस हैं ये वाले सारे, और यहाँ पे हमारा कर्नल है, और वो कर्नल जो है वो फिर किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हार्डवेयर के साथ। अब ये हमारे पास था नॉन वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट, अब हम आ जाते हैं वर्चुअल मशीन में। तो वर्चुअल मशीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन जो है वो इंस्टॉल हैं और हर एक जो है वो अपना अपना जो है वो कर्नल जो है वो दे रही है, ठीक है। तो
तो ये हमारे पास असल में कर्नल जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर पीसी होगा, हार्डवेयर नहीं होगा। तो हमारा ये जो प्रोसेस है वो इस कर्नल के ऊपर जो है वो रन होता रहेगा, ठीक है, जो कि हमारा एक्चुअली सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर हमारा नहीं होगा। और फिर हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो क्या कर रही होगी, वो हमारे हार्डवेयर के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर रही होगी। तो ये हमारे पास क्या है, वर्चुअल मशीन का जो एक स्ट्रक्चर है, या ये हमारे पास जो चौथा स्ट्रक्चर था वो हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो चार स्ट्रक्चर जो है हमने पढ़ लिए हैं, पहला मोनोलिथिक, दूसरा लेयर्ड, तीसरा माइक्रो कर्नल, और चौथा हमारे पास वर्चुअल मशीन का जो है वो कंसेप्ट जो है JVM वगैरह जिसमें आ जाते हैं, ये चीज हमने देखी है। तो मैं आप लोगों के जो माइक हैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आज का अपना शुरू करते हैं वो है फ्रेंड्स हमारे पास प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये एक तरह से हमारा नया चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसेस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो प्रोसेस हमारे पास क्या है, प्रोसेस हमारे पास देखिए हमारे पास प्रोग्राम है या हमारे पास सॉफ्टवेयर है आम लफ्जों में जिसे हम कह देते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम है जैसे मैं पहले लेक्चर के शुरू में बात की, वो हमारे पास एक पैसिव एंटिटी है, उसका जो कोड है वो हमारे पास किसी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो क्या होता है, मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है, और वही प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोसेस बन जाता है। तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास एक पैसिव एंटिटी है, और प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या है, एक एक्टिव एंटिटी है। ये इस वक्त क्या कर रहा है, ये इस वक्त हमारी रैम के अंदर मौजूद है और वहां पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और किसी भी प्रोसेस जो है उसको मुख्तलिफ रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसा कि ये रिसोर्सेज हमारे पास CPU का टाइम हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, फाइल्स हमारे पास उसको चाहिए हो सकती है, या मुख्तलिफ IO डिवाइसेस की उसे जरूरत हो सकती है अगर उसने इनपुट या आउटपुट करनी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे किसी प्रोसेस को इनकी जरूरत हो सकती है। तो हमारे पास जो है आमतौर पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो हमारे पास सिंगल थ्रेड होते हैं, लेकिन आजकल जो हमारे जब से ये जावा वगैरह का कंसेप्ट आया हमारे पास, तो मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी आ रहा है हमारे पास। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल का लेक्चर जो है उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे प्रोसेसेस हमारे पास जॉब्स कहलाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें टाइम शेयर्ड की या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां पे वही वाले जो प्रोसेस प्रोग्राम्स है वो हमारे पास टास्क कहलाते हैं, ठीक है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्हें जॉब्स बोला जाता है, जबकि टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो है उनमें हम जो हमारे जो प्रोसेसेस है उनको टास्क का लफ्ज जो है वो देते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम जो है हम आमतौर पर क्या समझते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है जी, कोई पीस ऑफ कोड है, वो कोई कोड लिखा हुआ है। हम किसी प्रोसेस के बारे में जब भी सोचते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये कोई प्रोग्राम का कोड है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम कोड से बढ़कर कुछ चीज है, ठीक है। तो उसमें और कौन सी चीजें हमारे पास शामिल हो सकती हैं वो हम बात कर लेते हैं। प्रोग्राम कोड जो है जो हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो हमने एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ होता है, ठीक है, C++ या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो वो जो कोड है हमारे पास उसको प्रोग्राम कोड बोला जाता है, या हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन उसको कहा जाता है, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारे पास इस वक्त यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोसेस के साथ ही आ जाता है, प्रोग्राम काउंटर का। तो हर जो प्रोसेस है उसका एक प्रोग्राम काउंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर जो है वो हमारे पास उसमें वैल्यू पड़ी होती है कि अब प्रोसेस की कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसने एग्जीक्यूट होना है। अगर मैं सादा लफ्जों में बात करूं तो बिलफर्ज इस वक्त 10वीं इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा जो है वो CPU के पास पड़ी हुई है। अब 11वीं इंस्ट्रक्शन जो है उसका जो एड्रेस है वो किसके पास पड़ा हुआ होगा, प्रोग्राम काउंटर के पास पड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जितने भी लोकल वेरिएबल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे जो है वो स्टैक के अंदर रखे जाते हैं। इसी तरह से हर प्रोसेस जो है उसकी हमारे पास कोई ना कोई हीप मेमोरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह जो है वो हमारे पास रखे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारे प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो प्रोसेस जो सिर्फ हमारे पास कोड नहीं है बल्कि इससे बढ़कर हमारे पास कोई चीज है। तो यहाँ पे ये आखिरी पैरा यहाँ पे देखिएगा जरा,
कहते हैं although two processes may be associated with same program, they are considered two separate sequence of execution. ये बात का मतलब ये है कि बिलफर्ज हमारे पास कोई एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, बिलफर्ज मैं कहता हूँ जी मेरे पास कोई टेक्स्ट एडिटर पड़ा हुआ है, तो वो टेक्स्ट एडिटर का कोड तो हमारे पास सेम है, लेकिन मैं हो सकता है उसको चार बार रन कर लूँ, तो हमारे पास वो प्रोग्राम एक ही था, लेकिन जब मैंने उसको चार बार रन किया अलहदा अलहदा, तो मेरे पास वो चार प्रोसेसेस की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हमारे पास क्या हो सकता है, प्रोग्राम हमारे पास सेम हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास जब प्रोसेसेस बनेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, सेपरेट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन की सूरत में जो है वो काम हमारे पास सर अंजाम दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो यही बात जो है वो आगे यहाँ पे की हुई है। प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं जी, एक है हमारे पास आईओ बाउंड प्रोसेसेस और दूसरा है हमारे पास सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। तो आईओ बाउंड प्रोसेसेस हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जो ज्यादा इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर्स हो गया, एमएस वर्ड हो गया, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम बहुत ज्यादा टाइपिंग कर रहे होते हैं, बार बार उसको इनपुट दे रहे होते हैं या उसे आउटपुट ले रहे होते हैं, तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आईओ बाउंड प्रोसेस कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारे पास सीपीयू बाउंड होते हैं, ठीक है। तो सीपीयू बाउंड हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ज्यादातर अपना वक्त जो है वो सीपीयू बस्ट में गुजारते हैं, ठीक है। तो सीपीयू बाउंड हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ज्यादा हमारे पास सीपीयू को इस्तेमाल करते हैं। आईओ बाउंड ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ज्यादा आईओ करते रहते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के प्रोसेस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेट्स जो है वो आप, ये आसान है मेरे ख्याल सबको पता होगी, बहरहाल मैं इसको ओवरव्यू देता जाता हूँ कि हमारे पास प्रोसेस जो है वो एक हर वक्त किसी ना किसी स्टेट में होता है। तो सबसे पहली जो स्टेट है वो है हमारे पास न्यू। तो न्यू स्टेट कब है, जब हमारा प्रोसेस जो है वो क्रिएट हुआ। फिर जब हमारा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है और प्रोसेसर के हवाले कर दिया जाता है तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। जब सॉरी प्रोसेसर न्यू था हमारे पास, न्यू से वो किस में आया, रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट का मतलब ये है कि इस वक्त हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। अब जब हमारा प्रोसेस रनिंग सीपीयू के हवाले कर दिया जाता है तो वो हमारे पास रनिंग स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, इस डायग्राम की मदद से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। जब हमारा प्रोसेस क्रिएट हुआ तो वो न्यू स्टेट में आया, जब उसको उठा के जो है वो इस वक्त एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार है तो वो रेडी स्टेट में आ गया, ठीक है। रेडी स्टेट से उठा के इसको सीपीयू के हवाले किया गया तो ये रनिंग स्टेट में आ गया। अब ये रन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है कि हमारा प्रोसेस जो है उसने अपना काम मुकम्मल किया और ये किस स्टेट में आ गया, टर्मिनेटेड स्टेट में आ गया कि इसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, एक काम ये हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारा प्रोसेस रन हो रहा था लेकिन कोई ना कोई इंटरप्ट वाके हो गई, ठीक है। तो हार्डवेयर की तरफ से कोई इंटरप्ट जो है हमारे पास अक्कर हो गई है या कोई इस तरह का काम हो गया तो हमारा प्रोसेस जो है वो सीपीयू से वापस भेज दिया जाएगा, कहाँ पे, रेडी स्टेट के अंदर। एक और चीज जो हमारे पास हो सकती है वो ये है कि हमारा प्रोसेस रनिंग में था, ठीक है, अभी इसने अपना टाइम स्लॉट मुकम्मल नहीं किया था लेकिन इसको इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ गई, तो तब ये किस स्टेट में आ जाएगा, वेटिंग स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुल मिला के हमारे पास जो है वो पांच स्टेट है जो कि हमें याद रखनी है। सबसे पहले न्यू स्टेट, जब प्रोसेस जो है वो जनरेट हुआ, रेडी जब वो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है, रनिंग जब वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, टर्मिनेटेड वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, और वेटिंग स्टेट जब वो रनिंग में था लेकिन इसको किसी इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ गई है। तो ये हमारे पास पांच स्टेट्स हैं किसकी, प्रोसेस की। तो ये चीजें जो है वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अहम और दिलचस्प जो है वो हमारे पास कंसेप्ट आ गया है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो जनरेट होता है तो उसके उसके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं या उससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ उसके पास अपनी कुछ चीजें होती हैं, सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो किसी प्रोसेस से जुड़ी होती है वो हम किसी ब्लॉक में रख देते हैं जिसे बोला जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो हर प्रोसेस जो भी हमारे पास सिस्टम के अंदर जनरेट होगा उसका क्या होगा, अलहदा से एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो हमारे पास मौजूद होगा, इसको हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक जो है वो भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीजें जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद हो सकती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है जी प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, ठीक है।
तो प्रोसेस की स्टेट जैसे अभी अभी हमने बात की है वो न्यू रेडी रनिंग या वेटिंग वगैरह में है। प्रोग्राम काउंटर इस वक्त कौन सी हमारे पास प्रोसेस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है उसका हिसाब किताब रखा जाता है, और नेक्स्ट कौन सी जो है हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो हमारे पास किस में पड़ा होता है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास सीपीयू मुख्तलिफ रजिस्टर्स जो हैं उनकी जो है वो वैल्यूज हमारे पास पड़ी होती है प्रोग्राम काउंटर के अंदर, मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास हो सकते हैं जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है, हमारे पास स्टैक पॉइंटर्स हैं या जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, तो इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पड़ी होती है। तो एक्यूमुलेटर्स हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटर्स हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि मीडियम जो हमारे पास कोई प्रोसेसिंग हो चुकी होती है उसको या इंटरमीडिएट जो हमारे पास कोई रिजल्ट वगैरह जनरेट होते हैं उनको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये काइंडली आप पढ़ लीजिएगा इंडेक्स रजिस्टर्स के बारे में, स्टैक पॉइंटर्स और जनरल पर्पज के बारे में। अभी हमारा टाइम जो है वो कम हो रहा है तो मैं ये टॉपिक जो है वो आज खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास मौजूद हो सकती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में वो हो सकती है सीपीयू स्केजलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास है स्केजलिंग इंफॉर्मेशन में कि हमारा जो प्रोसेस है आया कि उसे कोई प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ हमारे पास स्केजलिंग क्यूज हमारे पास अभी आएंगी तो उनके कोई पॉइंटर्स वगैरह जो है वो पड़े होते हैं हमारे पास। और इसी तरह से मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो प्रोसेस है और उसका बेस रजिस्टर क्या है, उसका लिमिट रजिस्टर क्या है, मुख्तलिफ पेज टेबल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है पीसीबी में पड़ी होती है, ठीक है, सेगमेंट टेबल्स वगैरह की। और इसी तरह से ये भी पड़ा होता है कि कितनी मेमोरी जो है वो हमारे पास किसी प्रोसेस ने इस्तेमाल की है। इसी तरह से हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि हमारा जो सीपीयू है उस हमारा जो प्रोसेस है उसने सीपीयू का कितना टाइम जो है वो लिया है, और इसी तरह से उसकी कोई अगर कोई टाइम लिमिट्स वगैरह जो हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे किस में पड़ी होती है, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में पड़ी होती है और इसे बोला जाता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक पिक्चर इसी तरह से आयो स्टेट इंफॉर्मेशन भी पड़ा होता है, ठीक है। पीसीबी में इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा प्रोसेस जो है उसने कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उसको अलाट की गई है और इस वक्त उसने कौन कौन सी फाइल्स वगैरह ओपन कर रखी हैं, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पीसीबी में स्टोर होती है। तो यहाँ पे एक पीसीबी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा होगा कि इसमें ये मुख्तलिफ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अभी हमने देखी है, प्रोसेस स्टेट हो गया, पॉइंटर हो गया, प्रोसेस का नंबर कौन सा है ये भी यहाँ पे रखा जाता है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यू और मेमोरी लिमिट्स वगैरह, ये सारी की सारी जो है वो चीजें कहाँ पे हमारे पास रखी जाती है, पीसीबी के अंदर जो है हमारे पास रखी जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस स्केजलिंग जो है वो हमारे पास क्या है कि प्रोसेस स्केजलिंग जारी बात है जैसे इसका नाम बता रहा है कि मुख्तलिफ हमारे पास प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग में हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हमने उनको क्या करना है किसी न किसी तरह से उनको स्केजल करना है ताकि वो हमारा जो प्रोसेस हर एक जो हमारा प्रोसेस है उसको सीपीयू जो है वो मिलता रहे, ठीक है। और ये ना हो कि एक हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस ना रह जाए जो कभी भी सीपीयू के पास ना जा सके, तो इस वजह से हमारे पास किसी ना किसी तरह की स्केजलिंग जो है वो की जाती है। तो जब हम स्केजलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके पास क्या है, देखें इस वक्त आपके पास P1 जो है वो सीपीयू के पास मौजूद है, तो जब P1 जो है उसे सीपीयू छीना गया तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है पीसीबी के अंदर, ठीक है, ताकि जब वो दोबारा P1 जो है वो सीपीयू के पास आएगा तो दोबारा वहीं से जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जहां पे टर्मिनेट किया गया था या जहां पे या जिस स्टेट में उसे सीपीयू वापस छीना गया था। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मैं दोबारा से बता दूं, यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो स्विचिंग द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर रिक्वायर सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट प्रोसेस एंड लोडिंग द स्टेट ऑफ द न्यू प्रोसेस। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाती है कि जब हमारा सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे में स्विच हो रहा होता है
तो हमने क्या करना होता है, हर प्रोसेस की स्टेट को सेव करना होता है ताकि दोबारा जब उस प्रोसेस को सीपीयू मिले तो हमारा प्रोसेस जो है वो दोबारा उसी जगह से शुरू हो। तो यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही होगी, यहाँ पे हमारा प्रोसेस पी नॉट या पी जीरो है और यहाँ पे पी वन है, ठीक है। अब हमारा पी नॉट जो था वो एग्जीक्यूशन में था, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि कोई इंटरप्ट या कोई सिस्टम कॉल आई और हमारा सिस्टम जो है उसे सीपीयू वापस ले लिया गया। तो हमने क्या किया, ये जो पी जीरो है इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने इसका जो पीसीबी था उसके अंदर स्टोर कर दी है, ठीक है। और फौरन हमने क्या किया है, पीसीबी वन जो है उसको लोड कर दिया है मेमोरी के अंदर। अब हमारा जो पीसीबी जीरो था वो आइडल स्टेट के अंदर है, ठीक है। हमारा जो पी नॉट है वो कहाँ पे है, आइडल स्टेट के अंदर है, ठीक है। और इस वक्त हमारा पी वन जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पी वन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन देखने की बात ये है कि जैसे ही पी वन को ये प्रोसेसर मिला तो क्या किया जाएगा, पीसीबी वन में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी जो है वो लोड कर दी जाएंगी। अब पी वन जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन को मुकम्मल किया और दोबारा से इसकी स्टेट जो है उसको सेव करवा दिया गया कहाँ पे, पीसीबी वन का जो पीसीबी वन के अंदर। और फिर से क्या किया गया, पीसीबी जो हमारा पी नॉट था उसको जो है वो प्रोसेसर दे दिया गया। और क्या किया गया, यहाँ पे हमने पीसीबी जीरो के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव की थी वो सारी की सारी जो है वो लोड कर दी गई है और दोबारा से हमारी प्रोसेसिंग जो है वो उसी पॉइंट पे खत्म हुई जहाँ पे खत्म हुई थी, दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास सारा जो अमल हो रहा है इसको बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, कि प्रोसेस की स्टेट को सेव करना और दोबारा जब वो प्रोसेसर के पास आएगा तो उसी पॉइंट से शुरू करना जहाँ पे उसे प्रोसेसर छीना गया था। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है और ये हमारे पास प्रोसेस स्केड्यूलिंग के अंदर ये वाला कंसेप्ट जो है हमारे पास आया है। तो नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है हमारे पास स्केड्यूलिंग क्यूज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, मुख्तलिफ क्यूज जो है वो बना दी जाती हैं जब हम स्केड्यूलिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहली क्यू जो है वो जॉब क्यू है, तो जितने भी प्रोसेस हमारे पास नए जनरेट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जॉब क्यू के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास क्या है, रेडी क्यू है, तो हमारे पास रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस जो हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है इस वक्त एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं उनको हम रेडी क्यू के अंदर ले आते हैं, ठीक है। और ये क्यू जो है वो आमतौर पे हमारे पास क्या होती है, एक लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। रेडी क्यू जो है वो हमारे पास लिंक लिस्ट होती है। लिंक लिस्ट आपको याद होगा कि इसमें हमारे पास नोड्स होती हैं, तो जो सबसे पहली नोड जो हमारा हेडर है उसके पास जो है वो पॉइंट कर रही होती है हमारे पास जो फर्स्ट और जो आखिरी पीसीबी है उस लिस्ट में जितने भी पीसीबीज हैं उनको, जो पहला पीसीबी है और जो आखिरी पीसीबी है, तो ये क्या कर रही होती है, उसको पॉइंट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये आपका जो है जो हेड है उसके पास जो पहला पीसीबी है उसका भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और आखिरी पीसीबी का भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसी तरह से ये चीज आपको भी यहाँ पे भी नजर आ रही है कि हमारे पास ये जो रेडी क्यू है इसका जो हेड है उसके पास जो हमारा पहला पहला पीसीबी है उसका भी हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंटर, और ये पॉइंट कर रहा है आखिरी पीसीबी को भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिंक लिस्ट की सूरत में जो है वो रेडी क्यू जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास, और यहाँ पे एक चीज और देख लें कि हर पीसीबी जो है वो अपने से अगला जो पीसीबी है उसको पॉइंट कर रहा होता है, और ये चीज जो है वो हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर दी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डिवाइस क्यू। तो डिवाइस क्यू क्या है कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो उन्हें इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो इनपुट डिवाइस जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं पे बिजी है, तो हमारे प्रोसेस जो है वो किसी क्यू के अंदर लग जाएंगे ताकि हमारी वो मतलूबा इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो है वो फारिग हो जाए तो इसे इस्तेमाल कर सके, तो उस क्यू को बोला जाता है डिवाइस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास ये तीन तरह की क्यूज जो है उनका कंसेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया है। आखिरी चीज जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था वो ये है हमारे पास, ये हमारे पास रेडी क्यू है। रेडी क्यू के अंदर हमारा प्रोसेस आया ये सीपीयू और यहाँ से हमने भेज दिया सीपीयू का। हाँ जी, मैं बात कर रहा था यहाँ पे मुख्तलिफ क्यूज है हमारे पास, स्केड्यूलिंग क्यूज है। जॉब क्यू थी हमारे पास के जॉब्स आके जब हमारे पास सिस्टम में एंटर होती है तो जॉब क्यू में लगती है।
जब वही जॉब जो जॉब क्यू से उठा के डाल दी जाती है रेडी क्यू में, और यहाँ पे रेडी क्यू जो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है लिंक लिस्ट की सूरत में, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि लिंक लिस्ट का जो हमारा हेड है उसके पास वो जो उस लिस्ट के अंदर पहली जॉब है उसके पीसीबी को और आखिरी जॉब का जो पीसीबी है उनको वो पॉइंट कर रहा होता है, और हर पीसीबी जो है अपने से अगला जो पीसीबी है उसको भी वो पॉइंट कर रहा होता है। फिर मैंने बात की थी डिवाइस क्यू के बारे में, तो डिवाइस क्यू जो है हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं वो किसी इनपुट या आउटपुट के लिए जो है इनपुट या आउटपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो इनपुट वाली डिवाइस या आउटपुट वाली डिवाइस जो है किसी और ऑपरेशन में मसरूफ है, तो तब वो सारे जो प्रोसेस जो किसी खास इनपुट या आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो किसी क्यू के अंदर लग जाएंगे, और उस क्यू का हमने क्या बोला था, उस क्यू का हमने डिवाइस क्यू बोला है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास देख लें कि हमारे पास वो कहते हैं कि जब हमारे पास यहाँ से अगर हम पढ़ें वंस द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, जी, सर प्लीज बताइएगा कि जॉब क्यू और इसमें वेटिंग क्यू में क्या डिफरेंस है, और सॉरी डिवाइस क्यू और वेटिंग क्यू। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारा प्रोसेस जो है वो आ गया है रेडी क्यू के अंदर, ठीक है। तो रेडी क्यू से हमारा प्रोसेस जो है वो भेजा जाएगा कहाँ पे, सीपीयू के पास, ठीक है। तो जब सीपीयू के पास हमारे पास चला गया तो यहाँ पे हमारे पास दो क्यूज का वो बताना चाह रहे हैं एक्चुअली, एक रेडी क्यू का और दूसरा आईओ क्यू का। देखें यहाँ पे उसने फिर एक क्यू जो है वो आईओ क्यू के नाम से यहाँ पे बता दिया मैं। तो रेडी क्यू से जब प्रोसेस आ गया सीपीयू के पास, ठीक है, तो तब हमारे पास जो है वो कौन कौन से चीजें जो है वो अक्कर हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो प्रोसेस है उसने आईओ रिक्वेस्ट कर दी, उसे किसी आईओ की जरूरत है, तो वो जो हमारा प्रोसेसेस हैं वो कहाँ पे लग जाएंगे, आईओ क्यू के अंदर लग जाएंगे, और जैसे ही उन्हें वो डिवाइस मिल जाएगी वो अपना आईओ मुकम्मल करेंगे और दोबारा से कहाँ पे चले जाएंगे, रेडी क्यू के अंदर चले जाएंगे। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि प्रोसेस इस वक्त सीपीयू में है और उसका टाइम स्लाइस जो है वो मुकम्मल हो गया, ठीक है, और जैसे ही उसका टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर हुआ तो वो कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा से रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा। तीसरा हमारे पास ये है कि सीपीयू में वो एग्जीक्यूट हो रहा था हमारा प्रोसेस, लेकिन उसने क्या किया, अपना एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब वो इंतजार, जब तक उसका चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूट होता है तो वो हमारा प्रोसेस जो है उसका उसको एग्जीक्यूट करवा के सीपीयू से वो चला जाएगा, ठीक है, और अपने चाइल्ड को एग्जीक्यूट करवा के वो चला कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा से रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा। चौथा केस हमारे पास जो बन सकता है वो ये है कि हमारे पास सीपीयू से वो जो है कोई इंटरप्ट जो है वो जनरेट हुई और उसको कहाँ पे जो उससे सीपीयू ले लिया गया और दोबारा से हमारा जो प्रोसेस है वो कहाँ पे चला गया है, वो यहाँ पे इंटरप्ट की वजह से कहाँ पे चला गया, रेडी क्यू के अंदर चला गया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या हो सकते हैं, चार यहाँ पे केसेस हो सकते हैं कि जब हमारे पास सीपीयू के पास प्रोसेस था तो किस तरह से वो दोबारा रेडी क्यू में जा सकता है। पहला है किसी आयो की वजह से, दूसरा टाइम स्लाइस की वजह से, तीसरा उसने अपना कोई चाइल्ड क्रिएट कर लिया उसकी वजह से, और चौथा जो है उसने कोई इंटरप्ट जो है वो जनरेट किया है तो उस वजह से हमारे पास वो दोबारा से किस में चला जाएगा, रेडी क्यू के अंदर जो है वो हमारा प्रोसेस जो है वो चला जाएगा, ठीक है जी। और ये था हमारे पास स्केजलिंग क्यूज जो है मुख्तलिफ इस बुक के मुताबिक जो है, जो तीन हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स स्केजुलर, जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी है। तो स्केजुलर जो है वो क्या करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारा प्रोसेस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ स्केजुलर जो है वो इस्तेमाल होंगे जो कि हमारा प्रोसेस जो है उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर लेके जा रहे होंगे, ठीक है। तो स्केजुलर जो है वो हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं, पहला जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर है और दूसरा जो है वो है हमारे पास शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो है उसको जॉब स्केजुलर भी बोला जाता है और शॉर्ट टर्म जो है उसको सीपीयू स्केजुलर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कब इस्तेमाल होते हैं, इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जॉब पूल जो है उसके अंदर जो है वो जॉब क्रिएट हुई, ठीक है, और फिर हमारा जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है वो क्या करेगा, हमारी जॉब को उठा के कहाँ पे डाल देगा, रेडी क्यू के अंदर डाल देगा। इस वक्त हमारा जो है रेडी क्यू के अंदर हमारी जॉब मौजूद है। अब रेडी क्यू से हमारी जॉब जो है
उठा के शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो किसके हवाले करेगा, सीपीयू के हवाले करेगा। तो ये दो तरह के हमारे स्केड्यूलर थे। लॉन्ग टर्म क्या कर रहा है, जॉब पूल से उठा के जॉब जो है वो रेडी क्यू के हवाले कर रहा है, और रेडी क्यू से उठा के जो जॉब्स जो है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो सीपीयू के हवाले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पढ़े तो वो कहता है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है ये क्या करेगा, ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है कि इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस इस वक्त मेमोरी में कितने मौजूद हैं, ये चीज हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जॉब पूल से कुछ ज्यादा तादाद में जो है वो प्रोसेसेस उठा के रेडी क्यू के अंदर ले आए। तो उसने क्या करना है कि जितने प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं सिर्फ उतने ही वो क्या करेगा इस वक्त रखेगा रेडी क्यू के अंदर, जो हमारा लॉन्ग टर्म है उससे ज्यादा वो नहीं उठाएगा। और इस वक्त कितने हमारे पास रेडी क्यू के अंदर मौजूद हैं या मेमोरी के अंदर मौजूद हैं इस वक्त, ये चीज जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास कहलाएगी। और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसकी जिम्मेदारी है, हमारे पास लॉन्ग टर्म जो स्केड्यूलर है उसकी। यहाँ पे एक चीज और भी है कि जॉब पूल से जो है वो दो तरह के अब हमारे पास हो सकते हैं प्रोसेसेस, या वो हमारे पास हो सकते हैं आयो बाउंडेड या हमारे पास हो सकते हैं सीपीयू बाउंडेड। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि आयो बाउंडेड ऐसे हैं जो ज्यादा आयो करेंगे और सीपीयू बाउंडेड जो हैं वो ऐसे हैं जो कि सीपीयू का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर जो है ये अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो जॉब पूल से एक मिक्सचर उठाएगा, मतलब अगर वो तीन मिसाल के तौर पर अगर वो तीन जो है वो आयो बाउंडेड उठा के रेडी क्यू के अंदर डाल रहा है तो क्या करेगा, तीन ही वो उठा के सीपीयू बाउंडेड वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको उठा के रेडी क्यू के अंदर डालेगा। मतलब एक तरह के बराबर जो है वो मिक्सचर जो है वो दोनों तरह के होगा। ऐसा ना हो कि हमारे पास वो आयो बाउंडेड ज्यादा डाल दे, तो आयो बाउंडेड अगर वो ज्यादा डाल देगा तो वो हमारा जो प्रोसेसेस है वो ज्यादा टाइम करेंगे आयो में और हमारा सीपीयू जो है वो फारिग रहेगा। और अगर दूसरे केस में वो ज्यादा सीपीयू बाउंडेड डाल देते हैं तो हमारा जो सीपीयू है जो है तब भी हमारे पास एक तरह से इम्बेलेंस हो जाएगा, हमारा सीपीयू जो है वो तब हमेशा उनको जो है वो वक्त देता रहेगा। अगर उसमें कुछ आयो बाउंडेड वाले आ जाते हैं तो वो कभी भी हमारे सीपीयू के पास नहीं जा पाएंगे। तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर थे। फिर जब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारे पास एक नया स्केड्यूलर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म स्केड्यूलर। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर हमारे पास क्या करता है, मीडियम टर्म स्केड्यूलर ये काम करता है कि इस वक्त बिलफर्ज हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास जो डिग्री ऑफ प्रोसेसेस है वो ज्यादा हो गई है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास ज्यादा हो गई है या कोई और हमारे पास वजह बन गई है, तो हमारे पास शॉर्ट ये जो हमारे पास मिड टर्म है वो क्या करेगा, सीपीयू से उठाएगा प्रोसेसेस को और वापस उठा के ले जाएगा हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर एक जगह है जिसे बोला जाता है स्वैप स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोसेसेस को छीन लेगा सीपीयू से और स्वैप आउट करते हुए स्वैप स्पेस में डाल देगा। ये स्वैप स्पेस जो है हमारे हार्ड डिस्क में मौजूद है और फिर जब जरूरत पड़ेगी या इसकी बारी आएगी तो दोबारा से ये मिड टर्म जो है उसको उठाएगा और स्वैप इन कर देगा स्वैप स्पेस से रेडी क्यू के अंदर। तो ये हमारे पास जो है कंसेप्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास जब हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनकी बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो है वो ये वाला कंसेप्ट जो है वो आता है। तो अगेन अगर हम इन चीजों को समराइज करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर जॉब पूल मौजूद है तो जॉब पूल से उठा के रेडी क्यू में डाला लॉन्ग टर्म ने, और रेडी क्यू से उठा के सीपीयू को दिया शॉर्ट टर्म ने, और सीपीयू से उठा के वापस स्वैप स्पेस के अंदर डाला है मिड टर्म स्केड्यूलर ने। ठीक है, और ये हमारे पास आखिरी जो है वो एक टेबल बना हुआ है जो इन चीजों को समराइज कर रहा है। ठीक है, यही बातें इसमें लिखी हुई है जो हमने की है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक जो हमने आज कवर करना था। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पुट करें।